दिल्ली तो एक वड्डी खबर सामने आ रही है कि इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की टीम ने अज सवेरे आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर संजय सिंह के घर पहुंची। ईडी की टीम सवेरे 7 बजे उन्हें घर पहुंची जिथे एक घंटे तो वह समय तक छापेमारी चल रही थी। इस बारे आप संसद मैंबर ने खुद पत्रकारों को जानकारी दी है। इस तो पहला इस साल मई महीने में भी ईडी ने संजय सिंह के घर छापा मारिया। उस समय उसके साथियों के घर और दफ्तर से तलाशी मुहिम चलाई गई थी। संजय सिंह लगातार ईडी और सीबीआई घेर रहे हैं। वह कहते हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विरोधी आगुओं को डराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली दे विच संसद मैंबर रिहायश से चल रही छापेमारी दिल्ली शराब नीति मुद्दे को लेकर की जा रही है। शराब घोटाले मामले च ईडी राही दाखिल चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 3 थावां ते आउंदा है। ईडी इस मामले को पहले ही क्लीयर कर चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले च सबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल के अजिहे हुण संजय सिंह ईडी